तो करिए, फिर बात की बाद में और करेंगे। मार्कर का रखा है, चलो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो वेक्टर्स इन 3D, उसमें वेक्टर्स हेडिंग डाल सकते हैं। यह स्टार्टिंग विथ वेक्टर्स। जो बच्चे हैं मेरे साथ, कुछ बच्चे इसमें नए भी होंगे, तो मेरी राइटिंग साइड आप होने में हो सकता है एक लेक्चर लगे, और वापस थोड़ा ऑनलाइन में मोमेंटम बनाने में भी हो सकता है एक लेक्चर लगे, तो बी लिटिल बिट पेशेंट ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाओगे। दोज हु डू अर्ली, दोज हु डू लिटिल बिट स्लो, सबको अडॉप्ट करना, एक आध लेक्चर में अडॉप्ट हो जाएगा। जिसका जल्दी हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देता रहूंगा, तो आज की क्लास में भी पेशेंट। सो वेक्टर, अब वेक्टर जो फिजिक्स में पढ़ा है ये वो पूरा डेटो सेम नहीं है। वहां तो बचपन में पढ़ा था, लेकिन तुमने पढ़ा क्या था? तुमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट था ना, बस यही पढ़ा था, और नथिंग एल्स। यस और वो भी मैंने देखा था अभी, जैसे मैं देरी में जैसे बोली ने पूछा था, तो नालायक वो भी पूछ गए थे। मैंने पूछा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव क्या होता है, पता नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव पता नहीं, अब कम्यूटेटिव नहीं पता है, या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है वो नहीं पता, आई डोंट नो। प्रॉब्लमेटिक है आपका सर, थोड़ा आवाज बढ़ा सकते क्या? मफल्ड आ रहा है सर आवाज। ये क्या कर दिया यस सर। यार कार्टून कहाँ चले जाता है बार बार। सच्ची में रोज लगा रहा हूँ ऐसा लग रहा है यार, क्या करा है। अच्छा दिख रहा है सर। हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्रोशे ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, शादी में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है वो, क्रोशे ऐसा लग रहा है। तो एनीवे, सो एज आई वाज सेइंग कि क्या बोल रहा था, हाँ फिजिक्स वाला वेक्टर्स जो है म्यू, सोच सकते हो वो 10% या 20% ऑफ दिस चैप्टर है ना। डॉट प्रोडक्ट आएगा, बट ऑफकोर्स वी विल डू मतलब टू मच मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ इट, तो बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे उसके, वेक्टर प्रोडक्ट के भी होंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट तो आएगा ही, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा जो तुमने नहीं पढ़ा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, ओके फोर प्रोडक्ट आएगा, और उसके अलावा थोड़ा नॉर्मल चीजें आएगी वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना, दिस इज वेक्टर इज। फिर 3D में क्या आएगा, 3D में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स ओनली। पहली बात तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू स्लोप इन 2D। जो स्लोप होता है तो वो 3D में क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो, ओके क्या होता है वो बात की बात, तो मैं तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन विल स्टडी इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 3D, लाइन इन 2D आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D पढ़ेंगे, लाइन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि 3D में लाइन तो क्या स्क्यू लाइंस भी हो सकती है। यार ये कैमरा बहुत ऊपर रखा है आप सुनने, मैं लिख नहीं पाऊंगा। हाँ सो यस, बॉक्स प्रोडक्ट इज ट्रिपल प्रोडक्ट ओनली, सो इक्वेशंस लाइंस क्या हो सकती है, स्क्यू लाइंस भी हो सकती है, आई होप दिख रहा है ना, तो लाइंस ऐसी स्क्यू लाइंस हो सकती है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट वी हैव टू स्टडी। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ना है, तो दिस इज वॉट वैक्टर्स इन 3D इज। नॉट अ बिग चैप्टर, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट से थोड़ा छोटा ही है। क्लियर यहाँ तक? वेक्टर्स में अपन तो क्या थ्योरेटिकल पार्ट कम कवर करेंगे, पहले थोड़ा सा मोमेंटम बने, थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए ना, दैट विल बी बेस्ट। तो सबसे पहले तो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, वेक्टर्स स्केलर वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस तो मुझे कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर, फर्स्ट इज उसका लेंथ, लेंथ को अपन मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज भी लिखा रहा हूँ, बट जो बेसिक है वो भी हमें हर चीज कवर करनी है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर तुम सबको पता है। सेकंड उसका डायरेक्शन, तो मैंने लिखा तीन कैरेक्टरिस्टिक, फिजिक्स में तो तुमने मेनली दो ही कवर करते हो, तीसरा क्या होगा? दे फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, जैसे ये हो गया
लेंथ हो गई उसकी, उसका डायरेक्शन भी हो गया। अब एक वेक्टर यहाँ एक वेक्टर यहाँ है, इक्वल तो बोलते हैं हम, बट इन दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, डायरेक्शन ट्वाइस सेम जा रहा है, बट तो भी मुझे डिस्टिंग्विश करना है लाइन ऑफ एक्शन। तो इनकी इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन। ज्यादा तुम्हें म्यूट ही रखना है बच्चों, जब बस इंटरेक्ट करना हो तब टेल मी, अदरवाइज म्यूट ही रखना है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। सो जैसे दो वेक्टर है, अगर यहाँ पे एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों इक्वल है बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग हो सकती है। कम ऑन एग्री करो। यस सर। यस सर। सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इज लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। सो कोई भी वेक्टर अपन इन तीन कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन कर सकते हैं, इस बेसिस पे अपन इक्वल नॉन इक्वल सब बोल सकते हैं। फटाफट लिख लो, देन एक और पॉइंट लिखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब इन तीन कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में मुझे बता सकते हो लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल है ना, देन डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम। और लाइन ऑफ एक्शन सेम और पैरेलल, क्योंकि तुम्हें पता इन दोनों वेक्टर को इक्वल तो बोलते हो ना। हाँ सर। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इक्वल वेक्टर्स बोलते नहीं बोलते हो? बट लाइन ऑफ एक्शन तो सेम नहीं है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम और पैरेलल। यूनिट वेक्टर, ना हाँ बस इतना अपने को तो शॉर्ट में लिखेंगे यार, है ना। तो यूनिट वेक्टर तुम सबको पता है, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स का क्या मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। सो कैन आई से एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, बस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। जल्दी से लिख लो, ऑब्वियसली ये चीजें तुम सबने पढ़ी है, तुम सबको आनी चाहिए, बट नालायक हर बैच में है। विरोक तू तो पोदार का है ना, है विरोक? हाँ I think हो गया होगा, I'm changing the page now. Yes, sir. Third. Just थोड़ा सा अपन को theory पढ़नी, nothing else, not more. Collinear vectors. चलो बोलो। Collinear vectors. हाँ क्या क्या? वो तीनों characteristics. तीनों कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स में बोलो, डायरेक्शन डायरेक्शन बोलो पहले, डायरेक्शन सेम भी चलेगा अपोजिट भी चलेगा? अपोजिट भी चलेगा। हाँ सुना सबने? यस सर। ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर मैंने ये ले लिया, ये भी कोलिनियर है। हाँ सर। यस सर। ये एक वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ये भी कोलिनियर है। और मजे की बात है कि कोलिनियर इनको भी बोलेंगे, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इसी के बिल्कुल पैरेलल है, भले पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स को भी मैथ में अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर। हाँ कोलिनियर, भले वो स्ट्रेट लाइन का कोलिनियर नहीं है, बट यस कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, कोलिनियर वेक्टर्स लेंथ नॉट नेसेसरली सेम। यस
क्या बोला एक्स बार नहीं नहीं नाला क्या पीछे 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 सब बच्चों को रोक के मैं पीछे भी जाऊंगा ऐसे मत कर यार है ना वो थोड़ा सा जगह छोड़ दे बाद में लिख लेगा उसमें क्या है आई नो कभी का क्यूरियोसिटी होती है बट हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे हम नॉट नेसेसरली इक्वल लेंथ इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है डजंट मैटर सो मच डायरेक्शन सेम क्या डायरेक्शन सेम और पैरेलल थर्ड लाइन ऑफ एक्शन सर अपोजिट भी होगा हाँ सॉरी सेम और पैरेलल नहीं बोलना चाहता हूँ अपोजिट सेम और अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन सेम और पैरेलल चलो बताओ फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा अगर दे आर कोलिनियर ए इक्वल टू लैम्डा बी लैम्डा टाइम्स बी हां ए इज इक्वल टू लैम्डा बी आई डोंट थिंक किसी को समझाने की जरूरत है तो ऑब्वियस है लैम्डा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव या लैम्डा इज ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है सो इसलिए उनको दो नाम और फर्दर रखा है कोलिनियर में ही एक को बोलते हैं लाइक वेक्टर्स इधर देखिए बच्चों और दूसरे को बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स दोनों कोलिनियर का पार्ट है कोलिनियर के ही दो पार्ट्स हैं इनमें से कौन से लाइक वेक्टर्स होंगे कमान इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन इसका डायरेक्शन सेम होगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट है उसको बोलते हैं अनलाइक कैन आई से लैम्डा पॉजिटिव और यहां पे लैम्डा नेगेटिव एवरीवन लिख लो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं बट मैं भेजूंगा नहीं है ना I'll not send recording. क्योंकि नालायक पहले से पूछे जा रहे हैं मतलब यूटी यूटी के कारण भगने की कोशिश कर रहे हो गए ना घर बैठे बैठे भी तो लेट हो सकता है फोर्थ लिखो जल्दी से बराबर आओ को इनिशियल वेक्टर्स जिनका हो गया है वो सोचो क्या होगा को इनिशियल वेक्टर्स करेक्ट कॉन्करेंट से ज्यादा कॉन्करेंट नहीं बोल सकते कॉन्करेंट विल नॉट बी दैट वो तो कॉन्करेंट बोलूंगा फिर मैं ना को इनिशियल वेक्टर जिन सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए सेम सुन लिया सबने को इनिशियल वेक्टर ये ज्यादा यूज नहीं आता बट कभी बोल देंगे तो ठीक है अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट को इनिशियल वेक्टर्स विच आर ऑल हैविंग द सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन नोट्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बट रिकॉर्डिंग मैं इमीडिएटली नहीं भेजूंगा नोट जरूर भेज दूंगा रिकॉर्डिंग क्यों इंस्टेंट नहीं क्योंकि फिर बहुत बच्चे गलत मिसयूज करते हैं एंड टिल फिर लेट हो जाता है दो महीने बाद या हर साल होता है हमारे साथ फिर क्या होता है अक्टूबर में जाके रिग्रेट करते हैं कि हाँ साथ में करा होता तो बेटर रहता हमने अपने हिसाब से डिसीजन लिए एंड देन वी हैव क्रिएटेड सो मच बैकलॉग कि एडवांस को छोड़ देते हैं अब बोर्ड्स की तैयारी करते हैं सो आई होप यू अंडरस्टूड जैसा प्लीज फॉलो करा रहा है सिस्टम प्लीज फॉलो दिस अगर खुद से ही करना होता तो यू कुड हैव डन वंडर्स है ना डू नॉट टेक अ रैश डिसीजन ऑन योर ओन कि नहीं अभी मैं पीछे हूं मैं बराबर आऊंगा एंड देन आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयर वेक्टर्स कभी नहीं होने वाला है बता रहा हूं यही बच्चे बोलते हैं कि जेई में 22 घंटे पढ़ना पड़ता है
हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बट जो प्रोडक्टिव काम की है वही बता रहा हूँ, अदरवाइज लोकलाइज बहुत सारे टर्म्स और यूज होते हैं। और वेक्टर्स तो क्या फर्स्ट ईयर में भी बहुत पढ़ोगे तो और ज्यादा स्पेसिफिक भी आ ही जाता है। लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट, पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पॉइंट। यस ओमकार, आपने सुना नहीं क्या, मैंने लिखा भी है वो इनिशियल वेक्टर्स मींस ऑल द वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? नहीं सर। कोई भी बच्चा डाउट पूछेगा तो नाम बोल के बोलेगा, अदरवाइज मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो देन देयर इज नो नीड टू से नेम। अदरवाइज इतना ज्यादा तुम तेज बोल के एकदम से माइक बंद कर देते हो कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो कोई डाउट पूछेगा तो नाम बोलेगा और डाउट पूछेगा। इंटरेक्ट कर रहे हो व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग द थ्योरी और एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन, देन नो नीड टू से द नेम। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। एनी डाउट नाउ? ओके, so position vector of a point, this also you have learned so much in physics, but even though I need to say again, position vector hum kiske respect mein define karte hain everyone? Origin ke respect. Origin ke respect. Sir, origin ke respect mein ye a vector hai, ye wala vector a vector hai. To is point ke position vector ko hum kya bolte hain everyone? A vector. Correct hai? Haan sir. Bracket mein aisa likhte hain na, main to physics mein ab kaise tumne padha ya kaise tum interact karte ho I don't know. बट हम मैथ में हमेशा ब्रैकेट्स में ऐसे पॉइंट के ब्रैकेट्स में लिखेंगे, दैट विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। एंड प्लीज माइंड, आज से थर्ड क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में बहुत मिस्टेक्स करोगे तुम जब तुम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस में ध्यान नहीं रखोगे। आर द सेम थिंग वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर? लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर, क्योंकि वेक्टर तो ए वेक्टर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, शिफ्ट करा सकता हूं ना इक्वल वेक्टर्स। कम ऑन। हां सर, उसी तरह। I hope you understand, but position vector point P का origin को join करने वाला line है। Is that clear everyone? Yes sir. So now just basic of vectors, अगर ये point P का position vector A vector है, ये point Q का position vector B vector है, तो तुम सबको पता है this is A vector, this is B vector, triangle rules है, I can find out this vector, correct everyone? Yes sir. ये तुमने फिजिक्स में भी ऐसे ही पढ़ा है, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट ऐसा है, सो दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट, एम आई करेक्ट एवरीवन? हां सर। ये फाइनल है और ये इनिशियल है, सो दिस वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों बोलो? b माइनस a वेक्टर, ये वाला एरो है a b माइनस a, ये b माइनस a, b b माइनस b, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब तुमने देखा मैंने वॉइस का ऑल्टरेशन ऐसा किया, ये ए माइनस बी है तो चेंज कर दिया नालायकों ने, है ना? ए माइनस बी है, एम आई क्लियर? ऐसा एरो है, ए माइनस बी है, ये ध्यान रखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। हिस्टोरिकली मैंने देखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ तो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, तो तुम ये बेसिक एग्जाम्पल करो। अब चलो ये और थोड़ा फास्ट करना, एज आई एम कंप्लीटिंग हियर दिस बोर्ड तुम्हारा भी हो जाना चाहिए, सो दैट आई कैन एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट पेज टुगेदर, है ना? समझ गए क्या टास्क है सबको? पॉइंट पी के ब्रैकेट में क्या लिखोगे वो तुम सोच के बता दो, ए लिखोगे, माइनस ए लिखोगे, वॉट एवर यू विश।
जेड मतलब ये सब एक्स वाई प्लेन में ही है बस, ठीक है। जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज जीरो। लास्ट वाला हो गया सर, सेकंड वाले में आरो नहीं लगा रहा। हाँ वो तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है वैसे, एरो की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है तो एरो तो यही होगा ना। हाँ मुझे यस सर। ऑल दीज वेक्टर्स मैंने क्या बोला डाउट लास्ट वाले में, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर और डीसी वेक्टर। ओके चित्राक्ष यू कैन ऑलवेज सेंड बट इतने इजी है कि मैं अभी वेरीफाई नहीं करूंगा। बिल्कुल दिख रहा है हर्ष, कुछ नहीं बस बी है ये लास्ट, और क्या ये सबको हर बच्चे को दिख रहा है ना लास्ट तक बी। yes, तो फिर क्या तेरे को नहीं दिख रहा है? अलग अलग ये रुचिर कदम नाम का बच्चा मैंने सुना। अच्छा रुचिर दादर ना। अच्छा तो लग रहा है मेरे को, सारे पुराने बच्चों को पढ़ा के वापस लग रहा है। नहीं लग रहा नालायक को? यस सर। हाँ सर। यस सर। राणा की आवाज तो डिस्टिंग्विशनली पहचान सकता हूँ मैं। हाँ सर। मेरे खारगर के हालत तो बहुत मस्त होंगे अभी मौसम वसम। हाँ सर। हाँ विनायक अच्छा हो गया क्या सबका? हाँ सर। यस सर। डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन? यस सर। चल कभी वेट बोला हूँ यू कैन ऑलवेज से डोंट बी शाय है ना। किस पेन से इससे दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। चलो फर्स्ट का आंसर क्या है? ए या माइनस ए? माइनस माइनस ए। सेकंड का आंसर क्या है? 3i कैप 3i प्लस 2j प्लस 2j कैप 2j कैप क्योंकि मैंने बोल दिया x और y प्लेन में। किसी को डाउट इसमें सेकंड का लेंथ होना लिखनी है
मैंने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर बोला है बच्चे, तो लेंथ किसने पूछा है? यस लिख सकते हैं वो उसको बोलते हैं पोलार कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? पोलार कोऑर्डिनेट्स है ना। क्या लिखेगा तू? आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करेगा तो यही तो आएगा। ओके आर कॉस थीटा है ना, क्योंकि तेरे को लिखना तो यही है। एग्रीकल जल्दी से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ है ना, पोजीशन वेक्टर तो यही हुआ ना, कमऑन एग्रीकल। अब एक्स को तू लिख सकता है क्या कि इसकी लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा नहीं होता है, क्या होता है? आर कॉस थीटा। और ये क्या होगा? आर साइन थीटा। अब तू बोलेगा नहीं मुझे टेन लेना है, तो अब तू टेन को कॉमन लेके तबाही मचा रहा है, वो फालतूगिरी तो कर सकता है लेकिन वो कोई करने की जरूरत नहीं है। हाँ थर्ड ए प्लस बी, और ये भी क्या है? ए प्लस बी पूछा नहीं है बट ए प्लस बी करेक्ट ना? यस सर। ट्रायंगल रूल ए बी, हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। लेट्स कम बैक टू दिस, यहाँ पे फोकस कर लो तो दैट वापस बोलने की जरूरत नहीं पड़े बच्चों, देन यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। ये अगर ए वेक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर तो ए वेक्टर हो गया, करेक्ट? यस सर। सी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बी है तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी वन डी वेक्टर। और ये डी है तो ये वाला वेक्टर भी डी हो गया, कमांड? यस सर। और अब ये एरो ये चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? ए प्लस बी माइनस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैन यू फील दैट हम कितने इजी पे जा रहे हैं, बट छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं ताकि बाद में अटकेंगे नहीं, है ना? यस, कोई डाउट? मैंने समझा क्या बोलना चाहता? तू खुद सोच क्या बोल रहा है, अगर किसी का माइनस आई है तो क्या मैं माइनस आई नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तू बता दे। अगर किसी का डायरेक्शन सोच सुन, अरे ऐसा तो तू बोलेगा सर कि मॉडुलस तो सर पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस माइनस एक्स कैसे हो रहा है? अरे क्योंकि खुद एक्स भी तो नेगेटिव है, तो वैसे ही माइनस आई कैप अगर मुझे लिखना है तो मैं माइनस क्यों नहीं पुट करूंगा? वो थोड़ा यार डाउट, मतलब थोड़ा अच्छे वाले डाउट पूछना है, क्या पूछ रहा है तू यार, है ना? चलो और थोड़े करो।
सर क्योर भी क्या है वो तुम अज्यूम करो खुद यू अज्यूम इट अकॉर्डिंग टू योर विश क्योंकि ये तो मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करा रहा हूँ कि ये इसको मान लो बी इसको मान लो इन द क्वेश्चंस तो वी हैव टू अज्यूम तो यू स्टार्ट डूइंग इट कि किसको तुम्हें ये मानना है तुम्हारी इच्छा है किसी भी वेक्टर को मानो एक ऑफ कोर्स एक पोजीशन वेक्टर को तो हम ऑरिजिन मानते हैं और बाकी जो वैक्टर एज्यूम करना है तुम्हारी जो इच्छा करो सही है चित्राक्ष फटाफट करो ये तो छोटा सा टास्क है बाकी क्वेश्चंस में यूज करेंगे बस नल वेक्टर को जीरो के ऊपर बस एरो मानो ठीक है धीर ठीक है शर्वन आई होप हो गया सबका चलो यहाँ पे पहले बी का पोजीशन वेक्टर क्या है ए वेक्टर ओके इसका पोजीशन वेक्टर क्या है डी का और ये ए है तो ये कितना हो जाएगा कमान सी माइनस ए यस सर किसी को डाउट है क्या नहीं सी माइनस तो वेक्टर सी होगा ना सी वेक्टर है सी वेक्टर अगर ये वेक्टर मैंने पूछा होता मैं भूल गया पूछना तो सी माइनस सी माइनस ए हो जाता इज दैट क्लियर कोई डाउट फिफ्थ में नो सर चलो फटाफट ये भी निपटा देते हैं सो इन द पैरेललोग्राम एक्चुअली हमें तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अज्यूम करने की जरूरत नहीं अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है रैंडम तब तो तीन मानने पड़ेंगे हाँ है ना एवरीवन यस सर बट पैरेललोग्राम में दूसरे काम चल जाएगा इस वेक्टर को ये वेक्टर मान लो एडजेसेंट साइड वेक्टर्स को भी कोई भी मान लो बी तो ये ए है तो तुम्हें पता ये भी तो ए ही है ये सुनो यस ये बी है तो पता ये भी बी है ये ए है ये बी है तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया तो मतलब डायगनल वेक्टर एक कौन हो गया ए प्लस बी हो गया कम ऑन एग्री करो वेक्टर क्या हो गया बी ए ए माइनस बी बी माइनस ए कुछ भी बोल सकते हो कम ऑन ओके करो सो ए प्लस बी ए माइनस बी आर द डायगनल वेक्टर्स कंप्लीट करो ये बस अपना पुराना वार्म अप हुआ है अभी तो नथिंग एल्स
सर कैन ही रिपीट डी का कैसे निकाला डायगोनल बीडी बीडी किसी भी दो पॉइंट्स का कैसे निकालते हैं अगर ये है बी वेक्टर ये है ए वेक्टर तो अगर मैं ये एरो बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये बी माइनस ए करेक्ट यस सर कोई डाउट यहां तक वेक्टर्स में अगर पोजीशन वेक्टर्स आता है तो मैं धीरे धीरे देखना दो चल लेक्चर के बाद आई विल टेल यू यू विल से टू मी कि पोजीशन वेक्टर से कितने इजी हो रहे हैं क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं अच्छा ये सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स बिल्कुल लगा सकते हैं क्या हाँ सर लेट से दो पॉइंट्स हैं तीन पॉइंट्स हैं ऐसे V is dividing them in the ratio m is to n. A का position vector A vector है, B का position vector B vector है, C का position vector C vector है. तो A B C में relation निकल जाएगा ना section formula के through everyone? Yes sir. Yes sir. क्या निकलेगा बच्चों? C. M times B. M B plus N upon M plus N. Internally m is to n में divide कर रहा अगर point B, तो B का position vector will be वही सब जो straight line में M C. प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों तो माइनस सी माइनस एन एम सी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन वेक्टर्स का तो तू प्रूफ समझ हम मॉड पे नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं वेक्टर पे ले रहे हैं अब इसने पूछा है तो देख लेते हैं अदरवाइज मैं तो नहीं बताने वाला था इधर देखो बच्चों एक बार फटाफट कमान फटाफट एक जस्ट एक ग्लांस कर लेते हैं ये वाला प्रूव करते हैं एम इज टू एन कौन है जल्दी बोलो एम बाय एन किसका रेशियो है ये कर दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए कमा क्यों सेम डायरेक्शन सेम दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने बीसी लिखा है ध्यान से देखो सीबी भी नहीं लिखा है कमॉन एवरीवन तो दोनों के यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तब तो सेम ही होगा ना लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर क्या हो गया कमॉन वेक्टर अब तो सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दूंगा तो आंसर आ ही जाएगा ना एवरीवन कम ऑन यस सर आगे बोलने की जरूरत है दैट स्टूडेंट हु आस्क्ड मी अब नाउ यू कैन ब्रेक एवरीथिंग इन पोजीशन वेक्टर्स एबी को क्या लिखूंगा ये मेरा प्लीज जेके एम सर का मंत्र समझना हमेशा वेक्टर में लिखेंगे और सब कुछ किसमें ब्रेक करेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर एबी हो गया कितना बी माइनस ए BC हो गया कितना C माइनस B माइनस B इज इक्वल टू M बाय N क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू हैव योर आंसर ओके मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस है बट कोई लिखने की जरूरत नहीं है बट तुम्हारी इच्छा है चलो 30 सेकंड्स के अंदर आगे बढ़ना है कम ऑन सर यहां पे एबीसी से पोजीशन वेक्टर है हां ए बी एन सी आर पोजीशन वेक्टर देख बच्चे अगर ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं तो हु आर एबीसी और एवरीवन पोजीशन वेक्टर अच्छा ए वेक्टर कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर क्या ये वेक्टर है क्या नहीं सर इज दिस ए वेक्टर उसे ए वेक्टर दिमाग में रखना पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है ओरिजिन से हां ना ओरिजिन से यस सर ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है
अगर वेक्टर होते वैसे तो फिर वैसे ही लैम्डा बी लिख देते हम तो, क्योंकि कोलिनियर हो जाते होते। एनी अदर डाउट एनीबडी? ना बच्चे तू वेक्टर्स की बात करो, वेक्टर्स का भी ध्यान रख, बाकी एक्स्ट्रा चीजें कभी भी अपन डिटेल में धीरे धीरे बात कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहे यार। तो यू आर आस्किंग सम वेरियस इधर उधर की क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू आंसर राइट नाउ। अभी फोकस वेक्टर्स पे चल रहा है तो मैं क्यों लीनियर अलजेब्रा क्यों बात करूंगा यार ये। आई थिंक सब डन हो गया। चलो यस सर। Okay, let's focus on first question. In triangle ABC, write down question. In triangle ABC, F, D, E, F are the midpoints of sides BC, CA, and AB respectively, prove that AD plus BE plus CF is equals to 0. चलो दिस क्वेश्चन आई विल डू इट फॉर यू, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से तुम करोगे, जस्ट थोड़ा मोमेंटम में मेथोडोलॉजी समझते हैं। सो आफ्टर यू कॉपी दैट सी ऑन द स्क्रीन। प्लीज अंडरस्टैंड वेक्टर्स, वेक्टर्स हाँ एज यू आर राइटिंग एज सम आर राइटिंग यू लिसन, वेक्टर्स के न्यूमरस एडवांटेज होते हैं बिकॉज सेवरल थिंग्स आर देयर विच if we try to prove using coordinate geometry, not say let's say coordinate geometry, geometry per se, it becomes very tedious, very lengthy. Like simple geometry mein sine rule cosine rule prove karne ke liye bhi thode se steps likhne padte hain. Well, if we do that using vectors, it becomes very short. Agar sabne sine a plus b ka formula trigo mein prove kiya tha, trigo 1 mein, na jab bachpan ka pyar, tab bhi agar geometry se prove karo to ek pura page lagta hai, almost ek pura page matlab short apna page. यूजिंग ज्योमेट्री इफ यू प्रूव, बट अगर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रूव करें एक झटके में हो जाता है। साइन के लिए ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, कोसाइन कॉस के लिए ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई वी ट्राई टू यूज इट आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज इन जेई सिलेबस आल्सो। क्लियर यहां तक? बहुत सारी थ्योरम्स का प्रूफ बहुत फास्ट होता है यहाँ से, तो कैसे करना है आप सुनो यहाँ पे। नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव इट फॉर वॉट एनी ट्राइंगल ए बी सी, बट instead of assuming three random vectors a b c, if I shift it and take one of the vertex to be origin, I'm not changing the scenario, come on, agree karo? We used to do yes, that in sir. Coordinate geometry also, coordinate geometry mein bahut sari cheez prove karni thi, usko utha ke shifting of origin kar dete the na, yes or no? Yes sir. In vectors every time you will assume one of the vertex to be origin, am I clear? Yes sir. Jo tumhari ichha hai main pattern fix rakhunga कि मैंने अगर ए को जीरो मान लिया तो फिर मैं बी के नाम पे ही वेक्टर एज्यूम करूंगा, कम ऑन बी वेक्टर, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो।
गॉट इट यहाँ तक? यस सर। ये है तो सी वेक्टर, देखो इधर सिंपल। अब क्या बोल रखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, कुछ करना नहीं, बहुत इजी है बस, तुम सुनते जाओ। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाय टू, ई इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, सी बाय टू। सी बाय टू। एफ किसका मिड पॉइंट है, इसका क्या हो जाएगा, बी बाय टू। अब हमें क्या प्रूव करना है, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। सो ए डी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब डी माइनस है या ए माइनस डी, डी माइनस है। सब कुछ पोजिशन वेक्टर में ब्रेक करना है, बी प्लस सी बाय टू माइनस ए का क्या है जीरो, प्लस बी ई, ई कौन है भाई, सी बाय टू, माइनस बी कौन है, बी वेक्टर, प्लस सी एफ, सी एफ में एफ कौन है, बी बाय टू, माइनस सी कौन है, सी वेक्टर। आई होप सबको दिख रहा है, जीरो हो गया है। यस सर। बी बाय टू प्लस बी बाय टू माइनस बी गया, आया ना। यस सर। सी बाय टू प्लस सी बाय टू माइनस सी गया, कॉपी करो फटाफट। Done, sir. हाँ, you can assume, अगर उसको shift करेगा तो triangle बनाएंगे। Can this question be done without shifting of origin? कि इसको origin नहीं मानू, a vector assume करूँ तो भी हो सकता है? हाँ sir। बट उसमें तुम्हें एक फैक्ट यूज करना पड़ेगा कि a प्लस मतलब सम ऑफ ट्राइंगल के साइड वेक्टर कितने होंगे, जीरो होंगे। सुना सबने? यस। हाँ, क्या यूज करना पड़ेगा अभी बताने वाला हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही रहा है। आई एम चेंजिंग द पेज इफ नो डाउट इज देयर। यस सर।
अच्छा ये एबीसी पोजीशन वेक्टर्स है क्या यहाँ पे? नो सर, प्रॉपर वेक्टर्स है। हाँ ध्यान रखना, तुम अपने हिसाब से कुछ अज्यूम करना हो, चेंज करना हो, योर विश। तुम्हें ओरिजिन मान के करना है, योर विश। तुम्हें ट्रायंगल रूल से करना है, योर विश। गॉट इट ना? यस सर। मैं तो प्रेफर करूंगा पोजीशन वेक्टर से, एक को जीरो मानो, दूसरे को एक्स वेक्टर मान लो, वाई वेक्टर मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वैसे करो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? यस सर। हरिया परिया करेक्ट हूँ। अच्छा फर्स्ट पार्ट मुझे करना है किसी के लिए? डन डन ना? यस सर। ओके लेंथ कितनी? हर चीज ही करा रहे नलायक। देख इधर, अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी से कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूँ। इसको जीरो ले लिया, इसको एक्स वेक्टर ले लिया, इसको क्या ले लिया? वाई वेक्टर ले लिया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये किसको माना है मैंने? ए बी को, सॉरी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और सी ए कौन सा है? सी वेक्टर है। तो ए प्लस बी प्लस सी को जीरो प्रूव करना है। अब तू खुद ही बता दे ए वेक्टर क्या हो गया? दिस माइनस दिस, करेक्ट ना? I hope जिसको डाउट है he is going to interact with me. B vector क्या हो गया? This minus this, y minus x. और C vector क्या हो गया? This minus this, 0 minus y. अच्छा क्या लेंथ आई आंसर बच्चों? root 5. कोई डाउट किसी को? Any doubt? No, sir. Correct, Rana. So, can you show the B1 or?
ना अब नहीं, पहले जब बोला तब तो पूछा नहीं। अभी रुक जा, बताऊंगा शायद से। अभी आगे कर, दूसरा वाला कर जल्दी से। जिसको लिखना लिख लेना जल्दी से एक्स्ट्रा, जिसका हो गया है उसी को, अदरवाइज मैं जल्दी रब कर सकता हूँ। बी पार्ट किसी को डाउट है? थर्ड का बी चेक कर सकते हैं। सेकंड का बी पार्ट किसी को डाउट है? बस उतना बताओ बच्चों, लास्ट चांस। यस सर। देखो इधर, फिर थोड़ी जगह कर रहा हूँ मैं। सेकेंड का भी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दे रखी है, तो तीसरी साइड को अज्यूम कर लो, आई कैप प्लस टू जे कैप है, ये वाले डायरेक्शन में माइनस आई कैप माइनस के कैप है। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट में नोटिस किया था, तीनों वेक्टर का इन ऑर्डर सम जीरो होता है। जिसको डाउट है उनको क्लियर है ये बात? देखो एक ही डायरेक्शन में एरोज है ना, इधर फिर इधर फिर इधर, तब जीरो होता है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो इसलिए मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया, ये एरो यहाँ पे है, तो ये एरो भी ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, आई प्लस के की जगह माइनस आई माइनस के। अब इन तीनों का सम कितना होगा? जिनको डाउट है वो बोलेंगे जीरो। सो ए प्लस आई प्लस टू जे माइनस आई माइनस के विल बी इक्वल टू जीरो। आई से आई चला गया, सो वो वाला साइड वैक्टर इज माइनस टू जे प्लस के है। सो इसका मॉडुलस कितना हो गया बच्चों? कमॉन, कितना हो गया? रूट फाइव। ये तो आता है ना, है वो मॉडुलस निकालना। हाँ सर, हाँ सर। फटाफट कॉपी करो, मुझे दूसरे बच्चों पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाना है। ये हो गया ऊपर? हाँ सर, थर्ड का भी था। एक दो है अभी, दोनों कौन सा है? तेरे को पता होना चाहिए। आई होप ये हो गया है। हाँ बोल। इसलिए दिमाग लगा दे गौरव, मैंने साइड वेक्टर पूछा ही नहीं, मैंने लेंथ पूछी, क्योंकि साइड वेक्टर तो तू ये वाला भी बोल सकता है और ये वाला भी बोल सकता है। कम ऑन, एग्रीड ना? हाँ थर्ड का ठीक है, मैं लिख ही रहा हूँ, अंशुल सही है। एनएपीजेसी 1 का 387 वाला बच्चा गलत है। इसका आंसर है माइनस टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस के कैप। जल्दी से करो कन्फर्म। ओके ओके नेटानिया, लास्ट क्या आंसर दे रहा है? लेंथ किसने पूछी है? अरे थोड़ा देखा तो करो, जहां लेंथ होती है वहां वेक्टर देते हो, जहां वेक्टर होता है वहां लेंथ दे देते हो। है जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, उसके लिए मेरे पास मेरे मतलब उसके बाद वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
नए बच्चे समझते हैं बाद यू आर नॉट गोइंग टू आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिस यू आर गोइंग टू कंटिन्यू अटेम्प्टिंग इट दिस इज जस्ट फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स एक क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है अभी यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जल्दी कर लेंगे बट मुझे तो पूरी क्लास को लेके आगे बढ़ना है सो आई कैन नॉट मूव टिल मोस्ट ऑफ यू आर डन सो फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव डन फास्ट उनके लिए मैं कभी कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दूंगा वो थोड़े से अच्छे होंगे वो करते रहना बट जिनका मेन क्वेश्चन नहीं हुए दे आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड अबाउट एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाइंड दिस इन द नोट्स डोंट वरी अबाउट दैट वो जो मैं सिंबल बनाता हूँ दैट मीन्स इंटरसेक्शन दिस इज इंटरसेक्शन ओके थर्ड क्वेश्चन बहुत जनों का हो गया है आई हैव टोल्ड यू यार वापस के क्या नाला है कुछ बच्चे लेट आते हैं एक ही चीज पूछते हैं नोट्स मिल जाएंगे डू नॉट वरी अबाउट नोट्स वरी अबाउट लर्निंग राइट नाउ यू विल यस गेट द नोट्स एज वेल एज रिकॉर्डिंग बट रिकॉर्डिंग हो सकता है थोड़े दिनों बाद भेजू मैं विल सी अच्छा किसी को डाउट है थर्ड क्वेश्चन में एनीबॉडी यस मूविंग आई एम चेंजिंग दिस पेज सिंस आई नीड स्पेस सही अरेंज कैसे होते हैं यहाँ से जाता नहीं तुमने सीखा होगा नहीं चलो मैंने जिनसे थर्ड नहीं हुआ है प्लीज सी ये होना चाहिए था यार मैंने पैरेललोग्राम में इसलिए पहले प्रैक्टिस कराया ना पोजीशन वेक्टर रिज्यूम करना एवरीवन यस सर इट बी वेरी इजी फॉर यू एवरी क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू बाय पोजीशन वेक्टर्स तो हर बच्चा जिनसे नहीं हुआ है वो बताएगा मैं ए को क्या मानूंगा कम ऑन ओरिजिन क्या मानूंगा डी वेक्टर डी वेक्टर तो ये क्या हो जाता है एवरीवन बी प्लस डी वेक्टर बिल्कुल क्लियर यहां तक एवरीवन यस सर सो नाउ इफ ही आर सेइंग एसी एसी मींस दिस एरो तो मतलब वो बी प्लस डी के बारे में बात कर रहा है कि बी प्लस डी is nothing but kita 2 3 4 short mein likh raha hu main chalega I hope so yes sir then he is saying bd to bd mein b initial hai d final hai aisa arrow hai dekho yes sir this is d minus b is given to be minus 6 comma 7 comma minus 2 aur tumse pucha hai ad vector ad kaun sa hai d vector nikalna hai come on yes sir तो दोनों को क्या कर दूं ऐड कर दूं सिंपल हां सर इतना इजी करा है क्या ऑल ऑफ यू एग्री कि हमने जो पोजीशन वेक्टर की मेहनत करी थी वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है ना एवरीवन अभी आगे आगे यू विल फाइंड दिस वेरी यूजफुल इवन दो वी हैव डन सिंपल थिंग्स बट इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू वही हम करते हैं यहां पे तो ये गया 2d इज इक्वल्स टू माइनस 4 2 आई कैप माइनस 6 आई कैप है ना 10 कितना 2 तो d वेक्टर कितना हो गया माइनस टू आई कैप फाइव जे कैप वन के कैप फिर मैं तेरे को नालायक बोलूंगा तो डिजर्व करता है तू मान
बट तू मानता है तू नालायक डिजर्व करता है नहीं करता ये बता दे। मतलब नालायक इज नॉट अ बैड वर्ड फॉर मी बट तू समझ क्यों, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कराई यार इसकी। यहाँ क्या करा अपन ने, जब ये पोजिशन वैक्टर प्रैक्टिस करी थी देख, इसको ए वैक्टर माना था, इसको बी माना था, तो ये ए प्लस बी हुआ था नहीं हुआ था? कमॉन। Doesn't exist for me. But free होगा तब तू बता सकता है, जब मैं दूसरे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे then you can tell me, है ना? Otherwise no. Yes. What this extra? Of course इसी chapter. अच्छा हो गया सबका, कैन आई मूव ऑन एवरीवन? यस सर। एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन कॉपी हो गया बस, दैट्स इट। यस मैं नहीं दूंगा बट तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो, तो देन आई विल से द आंसर। बट ये तो प्रूविंग क्वेश्चन है ना वैसे ही। इफ यू आर आस्किंग अबाउट सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन भी मैं ग्रुप पे भेज सकता हूँ, यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप और समथिंग, है ना? मतलब इतना अपने सेंटर पे मैनेज कर, अदरवाइज तू मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती है, आई विल सेंड यू। क्लियर? बट आई वांट यू टू ट्राई। सुनो एक बार, चुप रहो। ये जो नए बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा के रूल समझ लो। एक्स्ट्रा अभी तुमने पूछ लिया, आइंदा से अभी मेरे से बिल्कुल नहीं पूछना, टिल आई एम वेरी फ्री, टिल नोबडी इज आस्किंग मी एनीथिंग, देन यू कैन आस्क मी समथिंग अबाउट इट। बट आई वुड प्रेफर इफ यू आस्क मी ऑन द चैट ओनली अबाउट एक्स्ट्रा। सेकेंड थिंग, एक्स्ट्रा मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक्स्ट्रा इज सपोज टू बी यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? ये तो ये एक्स्ट्रा ईजी है, धीरे धीरे तो मैं टफ वाला एक्स्ट्रा देता हूँ। तो देन यू नीड टू अटेम्प्ट इट एट योर फ्री टाइम, लेजर टाइम, थोड़ा सोच के अलग एंगल से। फिर भी नहीं हुआ है तो अपने सेंटर पर फैकल्टी से पूछो, नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें मैसेज पर रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर अबाउट एक्स्ट्रा? यस सर। ओके Yes, tell me. कुछ और तो ऐसा बोल रहा है कि कुछ और क्वेश्चन होता तो हम कुछ और करते। हाँ करते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। इसमें बी डी है, बी डी वैक्टर क्या होता है पोजिशन वैक्टर में, डी माइनस बी या बी माइनस डी? ना कितने मोमेंटम में क्वेश्चन में ना तुम्हें इजी से सिखा के कहां पे मैं इन्वॉल्व करा रहा हूं, यू विल ट्राई टू फील दैट। 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड c वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप constitutes the sides of triangle ABC not necessarily in order then find the length of the median। कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, यू ऑलवेज हैव द चैट ऑप्शन फॉर यू बाय सेटिंग द सी वेक्टर। एज यू आर कॉपिंग द क्वेश्चन यू टेल मी दीज एबीसी आर पोजिशन वेक्टर्स या वेक्टर्स, साइड वेक्टर्स।
साइड वेक्टर्स दे आर नॉट पोजीशन वेक्टर्स. कॉपी करोगे डायग्राम बनाओगे एंड चालू हो जाओ. कम ऑन. अब इस बैच के लिए मैं कोई ग्रुप ग्रुप अलग से नहीं बनाऊंगा, नहीं तो ग्रुप की लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड है ना. तो अपने अपने सेंटर के तुम्हारे मैनेजर को मैं नोट्स और वो सब भेज दूंगा, दे विल सेंड इट टू यू. बट मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, कभी कम्युनिकेशन करना हो तो. बट मेरे पुराने बच्चे तो जानते हैं मुझे, मैं कैसा हूँ. रात को 9 बजे बाद कोई मैसेज वैसेज मत करना, नहीं तो मैं नालायक बोल के कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा और एक दो बार करके ब्लॉक कर दूंगा. सुन लिया? ये तो रात को 2 बजे बच्चे कुछ पढ़ते हैं और फोटो खींच के भेज देते हैं सर सॉल्यूशन, जैसे रात को चैट सर्वे चल रही है. मैं कभी का रीड करके छोड़ देता हूं, तो फिर 2 questions. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? पहले फोटो खींच के सेंड करते हैं और 1 question mark बस भेज देते हैं ना. फिर मैं जवाब नहीं देता हूं, मैं रीड कर लेता हूं, उनको पता लग जाता है, तो उसके बाद आते हैं 2 question. फिर मेरा मूड खराब होता है और मैं झाड़ देता हूँ ना. ओमकार साइड वेक्टर्स, हाउ साइड वेक्टर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. क्वेश्चन ने बोल रखा है साइड वेक्टर्स है. देखो दिख नहीं रहा है थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, कंस्टिट्यूट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी. इसका क्या मतलब होता है बच्चे? अंडरस्टूड? क्वेश्चन वेशन कॉपी नहीं करता है? कहाँ कहीं नहीं लिखे हैं? छोड़ छोड़ अभी सॉल्व कर ले पहले, फिर लिखना भली बट लिखा कर. प्रांशु करेक्ट, एक और बच्चे का था बट चैट में ऊपर चला गया, वापस लिख दो. गुड. रुजुल क्वेश्चन पढ़ो. राणा करेक्ट, आदित्य रॉन्ग, अगम रॉन्ग, विरोक रॉन्ग, अजाशत्रु करेक्ट, चित्राक्ष करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, रुजल रॉन्ग, पलाश रॉन्ग. जिनका हो गया वो एक्स्ट्रा करो, दे रखा है वो. हृदय करेक्ट, सेहर करेक्ट, श्रेयांश करेक्ट, मानव करेक्ट, रक्ष रॉन्ग, ऋषभ करेक्ट, साम्याक रॉन्ग, शशांक. आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलग टाइप की मिस्टेक आ गई. अब हो गया यहाँ पे नलवे को. कार्तिक रॉन्ग, क्वेश्चन नहीं पढ़ा. माइका सही कर बच्चे. जानवी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो. अंशु रॉन्ग, रिशु करेक्ट, जय करेक्ट. चलो आई थिंक बहुत बच्चों का हो रहा है, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे. सर डाउट था.
मेरे को डाउट है, ये है कि तू बीच में बोल क्यों रहा है अभी? कोई डाउट पूछा नहीं, नहीं मैंने. यू शुड नॉट आस्क मी एनी डाउट, यू शुड जस्ट डू दिस वर्क. अभी नो डाउट. अगर कुछ नहीं दिख रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, देन पूछ ले. अदरवाइज कुछ अभी समझाने का टाइम नहीं है, अभी आपको करने का टाइम. कितने बच्चों का हो गया ये वाला आंसर? रूट सिक्स इज करेक्ट आंसर. रेज हैंड करना, रेज हैंड करो एक बार, देखे तो सही क्या जनता कैसा है ये बैच, कितनी जनता दिख रही है. देखे ऑनेस्टली बोलना, ट्वेंटी 25% बस. बाकी 25% तो वैसे भी सो रहे होंगे. पारस करेक्ट, विराज करेक्ट, ओके. चलो गुड गुड गुड, ओके. किसी को डाउट है इसमें? अब इनफ टाइम आई थिंक, जिनसे नहीं हुआ या और टाइम चाहिए? सर 2 मिनट. जिनसे नहीं हुआ उनसे पूछ रहा हूँ, कैन आई डिस्कस दिस? यस सर. किसी को समझाना है मुझे? चलो ठीक. बाकी सब बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन नया वाला कॉपी नहीं किया, दे हैव टू बी पेशेंट. ओके, जिनसे नहीं हुआ देखो इधर. ये मैंने क्यों बोला नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर, ये समझ गए कम से कम? क्योंकि ट्राइंगल के लिए तीनों का इन ऑर्डर सम कितना होना चाहिए? जीरो. बट इन तीनों का सम जीरो नहीं है, देख लो. कम ऑन, इसका मतलब ये ऑर्डर में नहीं है. तो पहले तो तुम्हें वो डायग्राम बना के इनको ऑर्डर में मार्क करना है. एम आई क्लियर एवरीवन? डिसाइड करते हैं इसका. अगर मैं माइनस कर दूं और फिर सबको ऐड कर दूं तो जीरो आ रहा है, देखो. यस, माइनस ए बी एंड सी, इन सबका सम जीरो है. कम ऑन. यस सर. तो कैसे मार्क करेंगे? अगर ए को मैंने ऐसे मार्क कर दिया तो बी और सी ऐसा होने चाहिए. क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? देख लो ए उल्टा है. कम ऑन, अगर ऐसा करूंगा तो ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो. आर वे ओके? यस यस सर. अब सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करूंगा. क्या मैं किसी को भी ओरिजिन पे मान सकता हूं क्या बच्चों? Yes. तो मैं किसको मानूंगा पता है? मैं इसको किसी को भी मान सकते हो. मैं उसको मानूंगा जहां मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो बाइसेक्टिंग सी वेक्टर भी मान सकता हूं. क्या मानू? इसको ओरिजिन मान लिया चलो, क्योंकि सब यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, तो लिखना आसान रहेगा. गॉट इट? Yes, sir. ये जीरो है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? बी. इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए. जल्दी से ओके करूं तो अब क्या चाहिए मुझे? लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग सी वेक्टर. ये रहा सी वेक्टर, इसका लेंथ ऑफ द मीडियन ये चाहिए, इसकी लेंथ. तो एम निकालना पड़ेगा. कम ऑन, एग्री करो. एम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाई टू. एम विल बी ए प्लस बी बाय टू. और तुम्हें क्या चाहिए अब? लेंथ ऑफ एम या लेंथ ऑफ ओ एम? लेंथ ऑफ ओ एम के लिए ओ एम वैक्टर निकालेंगे. ओ एम वैक्टर इज जस्ट एम का पोजिशन वैक्टर. करेक्ट बच्चों? दैट इज ए प्लस बी बाय टू. और फिर इसकी लेंथ आंसर दे देना. सो ए प्लस बी बाय टू कर दो. कितना है? टू आई कैप का आधा आई कैप, फोर जे कैप का आधा टू जे कैप, टू के कैप का आधा के कैप. तो ये तुम्हारा ओ एम वैक्टर है, बट मैंने इसकी लेंथ पूछी है. क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? जो हमने सीखा पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना, उसे आसान हो रहा है ना? यस एवरीवन. फर्स्ट कॉपी करो. करण राजपूत, पारस करेक्ट. राणा करेक्ट. एंड्रीज नीचे कर सकते हो यार.
जल्दी कॉपी करो, आई हैव टू शो द अदर स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन. डन सर. करेक्ट. जय गुरी. हाँ जय, तो पहचाना हो बच्चा. तो तुम राणा और ये सब बच्चे, तुम तो फ्लैगशिप के बच्चे थे, तो खारगर वहां पे भी फ्लैगशिप में गए होगे ना? फ्लैगशिप एक्चुअली सर ऐसा नेरुल में फ्लैगशिप ना, मैं खारगर से नेरुल शिफ्ट हो गया और नेरुल में फ्लैगशिप बैच नहीं था. जीनिथ 1 और फ्लैगशिप 1 को मर्ज कर दिया गया. ओके ओके. फिर अभी 3 ईयर के साथ मतलब ओएन 1 बैच को मर्ज किया. ओके ओके. आई एम जस्ट शोइंग. ये सब का कॉपी हो गया? सबको ये क्वेश्चन करना है अभी. डू दिस क्वेश्चन एवरीवन. जिसका हो गया है वो पुराना वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकता है, जिसका वो भी हो गया है उसके लिए मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. जल्दी से इस क्वेश्चन में सब बच्चों को पहले क्या करना है, डायग्राम एंड देन सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना है. हम सब, मैं सॉल्यूशन करूंगा तो एक ही चीज को ओरिजिन माने तो बेटर है. तो किसको माने, पी को ओरिजिन मान लें एवरीवन? हम किसी को भी मान सकते हैं बट लेट से सब हर जगह पी ज्यादा ही है तो पी को ओरिजिन मानेंगे. कमान शशांक करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, नीलेश करेक्ट. आदित्य देव करेक्ट. दिव्या करेक्ट. अक्षत करेक्ट. ओम करेक्ट. प्रांशु करेक्ट. ओपीजेसी 3 का बच्चा करेक्ट. OE.CD0.
तो डायग्राम तो सबका बन गया एटलीस्ट एवरीवन उतना वेरीफाई कर लेते हैं ई क्यू आर एस अरे कौन है ये काट इतरेज ध्यान रखा कर पी को हमने ओरिजिन मान लिया पी क्यू ए वेक्टर दे रखा है इसलिए ये ए वेक्टर हो गया क्यू आर बी दे रखा है इसलिए ये कितना हो गया ए प्लस बी सब प्रैक्टिस करा लिया मैंने एस पी दे रखा है ए माइनस बी तो एस कितना हो गया बी माइनस ए अ पॉइंट इज टेकन ऑन बी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर निकाल सकते हो तुम एक्स इज द पॉइंट ऑन एस एम एस एम कौन है ये रहा x यहाँ पे एक पॉइंट है सच दैट ये रेशियो 4:1 है करो बहुत इजी है सर आंसर क्या है तू बता चैट पे सर बता है वापस लिख दे अंशु करेक्ट अजय चत्रु मिस्टेक करेक्ट स्नेहिल करेक्ट शर्विन करेक्ट स्नेहिल मिस्टेक अंशुल करेक्ट आदित्य प्रचन करेक्ट अनूप मिस्टेक सिद्धांत करेक्ट चलो बहुत बच्चों ने बता दिया आपका आंसर 3:5 ओके सो हम लास्ट मिनट नाउ जय करेक्ट वंश करेक्ट रिया करेक्ट दिव्या करेक्ट है गुड चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन ओके जिनसे नहीं हुआ है देखो भाई इनफ टाइम हैज बीन गिवन हाँ सबसे पहले एम कितना है 2a प्लस बी बाई टू 2a प्लस बी बाई टू तो एक्स ये 4:1 लिखा था ये तो समझ में आ गया था ना एवरीवन एक्स का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से 4 into 2a प्लस बी बाई टू प्लस 1 into कितना है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय भूलना मत 5 इजी है अभी तो मतलब थोड़ी नालायक जनता के लिए कर रहा हूँ मैं बस ये 2 तो 4a माइनस a कितना हो गया 3a 2b प्लस b कितना हो गया 3b बाय 5 ये x हो गया
तो अब जो पूछा है वो निकालो, टी एक्स वेक्टर अपॉन क्या पूछा है, टी आर वेक्टर, दोनों का पी में ओरिजिन है तो मतलब एक्स वेक्टर हो जाएगा बस, एक्स वेक्टर इज 3/5 टाइम्स ए प्लस बी, और पी आर वेक्टर में आर कौन है, ए प्लस बी, यस एक तो पहली बात तो कोलिनियर है तो उनका रेशियो इज व्हाट, लेंथ का रेशियो ही है ना, बिल्कुल सही बात है, दोनों कोलिनियर है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन, इसलिए आंसर 3/5 इजी। कुछ नालायकों के लिए वापस समझा रहा हूँ, सुन लो, ये सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दिया था, इसमें किसी को डाउट है, क्या डाउट है राज? ओके, फिर सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एम कैसे निकाला, मिड पॉइंट है क्वेश्चन, पढ़ा तो करो कम से कम। अब ये गलत बात है, कोई बच्चा पूछ रहा है एम कैसा है, ये तो बहुत ही गलत बात है यार, एम क्या है, मिड पॉइंट दिस प्लस दिस बाय टू, फिर एक्स निकालना है तो रेशियो दे रखा है 4/5, उसको मैंने यूज करके ये रेशियो 4:1 कर दिया, कैसे किया वो तो तुमने डाउट है तो तुम पूछो, एनी डाउट रिगार्डिंग दिस रेशियो, नो, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाया एक्स के लिए, एस पता है एम पता है तो एक्स निकल ही जाएगा, 4 × this + 1 × this / 5, वो आ गया एक्स, एक्स आ गया तो बस पी एक्स और पी आर लिखा है और क्या लिखा है, अगर पी आर और पी एक्स सिद्धार्थ अगर कोलिनियर नहीं है तो रेशियो कैसे आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा ना, वो तो फिर डायरेक्शन के टर्म्स में आएगा, कम ऑन, चलो जल्दी से एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, देन वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे, जल्दी, मुझे भी रेस्ट चाहिएगा, 4 बजे से वापस लेक्चर है, कम ऑन, रेडी, फटाफट लिखो, जो नया क्वेश्चन बोल रहा हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं जो बोल रहा हूँ बस बोले, सुन लो जल्दी से, वो लिखे ले, लिखना ही पड़ेगा, क्या ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, इनमें से थोड़ी सी चीज मैंने बताई नहीं है अभी तक ना, बट यू कैन गेस, यू कैन ट्राई, है ना, अच्छा रिकॉर्डिंग नोट्स के अलावा मैं प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, तो अपने अपने सेंटर मैनेजर से मांग लेना कल शाम तक, सुन लिया सबने, तुमसे नहीं बोलने के बोला है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो बस, यस चाहिए अभी, नो भी नहीं चाहिए, है ना, आई एम रिपीटिंग अगेन, आई विल सेंड नोट्स रिकॉर्डिंग एंड प्रैक्टिस शीट टू ईच वन ऑफ योर सेंटर मैनेजर्स, तो उनसे जरूर ले लेना।
और जिनके पास कोई सेंटर मैनेजर नहीं है तो जिन्होंने आज तुम्हें लिंक भेजा है दे विल सेंड यू। सर सर आगे तो पुराने बच्चे उनको भेज देना। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? हाँ तुम्हें भेज दूंगा मैं। यस सर थैंक यू सर। ना अरे यार ऐसे इंडिविजुअल ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता यार, समझा? मैं सब बच्चे ये लिख रहे हैं, कैसे मैं वो शो करूंगा यार तेरे को अभी। एनीथिंग एल्स बिफोर आई लीव बिफोर आई एंड? सर ये सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ओई इनटू सीडी है। ओई इनटू नहीं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है। मैंने पढ़ाया नहीं है बट एक्स्ट्रा मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर का दे देता हूँ, ठीक है? हाँ सर समझ गया। हाँ चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। थैंक यू। चलो मैं आते हैं। Bye.